नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। Assalamualaikum, welcome to Nayi Subah Audio Library English Learning Tutorials for Foundation Course. मेरा नाम है सबा गजाली और आज हम बात करेंगे एडवर्ब्स के बारे में। ये वो मॉडिफायर्स हैं जो कि हमारे सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं, जो कि हमारे वर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं, हमें काम की नौयत बताते हैं और ये कहलाते हैं एडवर्ब्स। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एडवर्ब्स क्या होते हैं। सो दीज आर द वर्ड्स विच टॉक अबाउट द डिग्री, द फ्रीक्वेंसी, द मैनर, द प्लेस, द टाइम ऑफ एक्शन। जैसे कि he runs quickly, वो तेजी से भागता है। he walks slowly, वो हल्के चलता है। अब हमें ये बता रहे हैं कि उनकी चलने की रफ्तार क्या है। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम टाइम को इन्वॉल्व करना चाहें तो ये तो या तो बिगिनिंग में आएगा या फिर एंड में आएगा, यानी कि या तो ये इख्तिताम में आएगा या फिर ये शुरू में आएगा। जैसे कि he had an accident yesterday, अब यहाँ पर एक्सीडेंट क्या है, हमारे पास इवेंट है ना, तो इवेंट क्या है, नाउन, एक्सीडेंट इज अ नाउन और yesterday एडवर्ब ऑफ टाइम, he had an accident yesterday. I don't like food in this restaurant, let's go somewhere else. यहाँ पर somewhere else में हमने adverb of place को इस्तेमाल किया। I talk to her usually, ये क्या बता रहा है, मेरी frequency बता रहा है कि how frequent I talk to her, यानी के often, usually, hardly वगैरह, ये सारे के सारे adverb of frequency हैं। उम्मीद है कि आपको adverb समझ आए होंगे। मिलेंगे अगले lesson में नए topic के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए comment कीजिए या description में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।